स्वागत है दोस्तों आपका यूपी स्पेशल की क्लास में। हम लोग यूपी पीसीएस जीएस ऑनलाइन क्लासेस में आज पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं और अक्सर कर पूछे जाते रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये। इसकी मैं एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा जिसमें डेली हम लोग लगभग 6 से 7 लेक्चर मैं इस पर लेकर के आऊँगा, जो कि ये शॉर्ट नोट के तरीके से आपके पास अवेलेबल होगा और एग्ज़ाम के पहले अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी पूरा यूपी स्पेशल रिवीजन करने में। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से, प्लेलिस्ट विजिट करिए, वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको सारे जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला आज का जो फैक्ट है वो है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है कहाँ, जेवर में, गौतम बुद्ध नगर में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन शहरों से गुजरेगा, क्वेश्चन ये पुट आउट किया जाता है कि इनमें से किन शहरों से नहीं गुजरेगा। तो एक नज़र देख लें इसको मैप पर तो आपको आसानी से याद होगा, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। तो आप देखें तो इन ज़िलों से ये होकर के गुजरेगा, तो इसको एक बार मैप पर देखिएगा तो आपको ज़िले का आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर कौन से ज़िले स्थित हैं, तो आपको ये नहीं भूलेगा और आपका उत्तर नहीं गलत होगा। अब अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर है, तो स्थानीय मेलों पर जो है ग्राम पंचायत लगाती है कर। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है इटावा को, तो इटावा जो है इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई 1975 में, इसको मैं अपने लेक्चर में आपको पढ़ा भी चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है, तो ये मार मृदा जो है वो बुंदेलखंड में पाई जाती है, बुंदेलखंड जो आपका क्षेत्र है झांसी हमीरपुर वो क्षेत्र। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी किसने, तो रहीमुद्दीन खान ने। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है गोवर्धन मथुरा में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया, तो ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ खोला गया, प्रयागराज में। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, जहाँ पर बहुविवाह व्यवस्था अभी भी प्रचलित है, वह है जौनसारी। काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 4, इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है बीघा, जो अभी तक ट्रेडिशनल नापा जाता था बीघा बिस्वा, तो 1 बीघा = 20 बिस्वा यहाँ पर होता था। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में एक रेल मॉडर्न कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है लालगंज रायबरेली में। ये दरअसल आए हुए क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर ये, तो इनसे रिलेटेड जो शॉर्ट नोट है अक्सर कर ये रिवाइज होते हैं, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है किस क्षेत्र में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गंगा यमुना गोमती झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, तो आप उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में जानते ही हैं, तो इनमें झेलम जो है वो नहीं है, जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है तो झेलम नहीं होगा। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटी है, तो प्रथम स्थान है एरिया में। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है 5.1%। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, उससे कम, फिर उससे कम, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपका नलकूप जो है 1 पे हो जाएगा, नंबर 2 पे नहरें, नंबर 3 पे तालाब और कुएं, और नंबर 4 पे जो अन्य साधन है वो। अगर प्रमुख नकदी फसल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है गन्ना। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहाँ, चित्रकूट में। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है जिस नाम से, तो वो कौन सा है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय,
तो राजर्षि टंडन आपने सुना होगा ओपन यूनिवर्सिटी, ये वही है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। अब ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है संगीत शिक्षा से, संगीत शिक्षा हेतु जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वह है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अब इसकी स्थापना कब हुई, तो भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय को बनाया गया 24 अक्टूबर 2000 को। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में, तो पेपर से संबंधित सहारनपुर उद्योग में हम लोग देख चुके हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर में। इनसे रिलेटेड जो आपके जो लेक्चर्स हैं, तो हमने मैप बेस्ड जिसको पढ़ाया है आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, आप विजिट करिए तो वहाँ पर आपको जो प्रमुख शोध संस्थान है उसको उत्तर प्रदेश के मैप पर मैंने लोकेट किया हुआ है, तो आपको वहाँ से पर्टिकुलर जिला याद हो जाएगा कि कहाँ पर स्थित हैं। थोड़ा सा मैंने अपने खुद के नोट्स का एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको दिया है लाइन बना करके, जिससे भी आप उसको अच्छे से याद रख पाएँ। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, प्रयागराज में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, आगरा में। आइए उद्योग और उनके केंद्रों का थोड़ा मिलान कर लेते हैं। लकड़ी के कास्ट, लकड़ी कास्ट के खिलौने वाराणसी से। खेल का सामान संबंधित है मेरठ से। पीतल की मूर्तियां संबंधित है मथुरा से। और दिया सलाई उद्योग संबंधित है बरेली से। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, कानपुर में। सूची नगर और उत्पाद को मिला लेते हैं। रेणुकूट एल्यूमिनियम से संबंधित है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक के उत्पादन से संबंधित है। मेरठ खेल के उत्पादन से संबंधित है। और अलीगढ़िया ताला फेमस है। आइए और केंद्र और उद्योग को मिला लेते हैं। इस तरीके के जितने क्वेश्चन होते हैं इनको जरूर पढ़िएगा। आंवला उर्वरक से संबंधित है। मोदीनगर रबड़ से संबंधित है। बाराबंकी पॉलीफाइबर से संबंधित है। और कानपुर विस्फोटक से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और देख लेते हैं ऐसे ही। फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, इसका उद्योग है। कानपुर में चमड़े का सामान के उद्योग है। नजीबाबाद में प्लाईवुड है। और सहारनपुर में कागज और लुगदी का उद्योग ज़्यादातर फला फूला है। औद्योगिक संस्थान और नगर देख लेते हैं, कौन से औद्योगिक संस्थान कहाँ पर है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है वो रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पुटअप किया गया क्वेश्चन। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। आप पेपर उठाएंगे तो देखेंगे इनमें से कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो आप जानते हैं जो जिला पंचायत सदस्य होता है वो ग्राम प्रधानी के साथ में उसका इलेक्शन में वो चयनित होता है, तो वही सदस्य जो है वो अपनों में से ही जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, तो बताइए ग्राम प्रधान का निर्वाचन कौन करता है। तो आप सभी ने अपने गांव में देखा होगा कि पंचायत की सीमा के क्षेत्र एक निर्वाचन सूची बनी होती है, उसमें सम्मिलित सभी निर्वाचक होते हैं, उसी को ग्राम सभा कहा जाता है। तो पंचायत की सीमा के निर्वाचकों में से ही ग्राम प्रधान चुना जाता है। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश से। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य चल रहा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है 77.3। देखिए अभी जो नई जनगणना है उसको थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है कोविड के कारण, तो अभी जो पुराने 2001 के जनगणना के फैक्ट हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं पूछे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट फिगर्स आपको जरूर देख के जाने हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगर का सही क्रम है, तो देखिए 10 लाखी जो नगर है उनका सही क्रम क्या है, तो कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है, तो गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वह है लखीमपुर खीरी का। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन देशों से कम है, तो अब देखिए उत्तर प्रदेश एक राज्य है, यहाँ देश पूछ रहा है, तो नाइंसाफी इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्थान अगर देशों के क्रम में कर दिया जाए तो वह 5वें स्थान पर आता है,
टॉप पे आपका चीन हो जाएगा, दूसरे पे भारत है ही है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा इंडिया का केवल यूपी है, यानी कि एक राज्य को अगर देश मान लिया जाए तो वो पांचवें स्थान पर आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले ज़िले हैं। तो पहले अधिकतम घनी आबादी देख लेते हैं, तो गाजियाबाद, न्यूनतम घनी आबादी ललितपुर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस ज़िले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो मिनिमम लिटरेसी जो है वो कहाँ पर है? श्रावस्ती। किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश का तीसरा प्रमुख स्थान है? तो वो है सिख। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ, चार शहरों के नाम हैं, में से कौन सा नगर पुराने राष्ट्रीय महामार्ग जो कि NH2 था, अब जिसका नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है, उसके द्वारा नहीं जोड़ा जाता है इन चारों में? तो इसमें लखनऊ है। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में से कौन जनपद प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता? सोनभद्र। तो आप मैप पर देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है, ये कई बार पूछे गए हैं, इनको मैप पर देखिएगा, मैप अभी यहाँ पर होता तो मैं आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर कर देता कि सबसे उत्तर में जो है वो सिद्धार्थ नगर है, फिर संत कबीर नगर है, और दक्षिण में आएंगे, और दक्षिण में आएंगे तो अम्बेडकर नगर, और दक्षिण में आएंगे तो भदोही है जिसका नाम संत रविदास नगर था। जिलों के मुख्यालय को लेकर क्वेश्चन कई बार बने हैं, जालौन का जो मुख्यालय है वह उरई में है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती में है, संत रविदास नगर भदोही का ज्ञानपुर में है, और कुशीनगर का पडरौना में है। जनपद और मुख्यालय से एक क्वेश्चन और देखते हैं, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, कानपुर नगर देहात का, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, जालौन का उरई, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो वो है महीगीर या फिर भुक्सा, जिसे भोक्सा भी कहते हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया जिले में। इन सबको पढ़ाया जा चुका है, आप वहाँ से वीडियो में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा संस्कृति की ओर। आइए अब इसमें उत्तर प्रदेश के जो नाम दिए गए हैं, किस ईयर में क्या नाम रहा उत्तर प्रदेश का, तो उसको लेकर के मिलान करना है। तो देखिए, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 तक रहा, इसमें इसका नाम पड़ा। 1877 में हो गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, और उसके बाद में आगरा अवध हटा दिया गया, तो 1937 में ये हो गया संयुक्त प्रांत, और जब देश आज़ाद हुआ 1950 में तो इसका नाम वर्तमान हो गया उत्तर प्रदेश। तो ये यूपी के ही नाम हैं, इनके नाम चेंज हुए हैं, तो 36, 77, 37 थोड़ा सा याद रखेंगे। 1836 के बाद 1937 वाला ईयर है ना, बीच में आ रहा है 1877, और एक आज़ादी का ईयर ले लीजिए तो आप इसको रिमाइंड कर पाएंगे। उत्पाद और केंद्र को देख लेते हैं, टेराकोटा का उत्पादन गोरखपुर में होता है, लकड़ी के खिलौने का उत्पादन वाराणसी में होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन का उत्पादन चिनहट में होता है, और कांच का सामान फिरोजाबाद में होता है। ऐसे ही क्वेश्चन और देख लेते हैं, धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का है। नृत्य और क्षेत्र को सम्मिलित कर लेते हैं, तो धुरिया बुंदेलखंड का है, धीवर जो है वो कहारों का है, और जो नटवरी है वो पूर्वांचल का है। तो इस तरीके से हमने आज का पहला लेक्चर कंप्लीट किया, अभी आगे कंटिन्यू होगा, ऐसे ही लगभग 6 से 7 जो मैं लेक्चर हैं वो लेकर के आऊँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के पहले बहुत जो शॉर्ट नोट हैं वो ईज़िली मिल जाएँ, और कम समय में आप अपना प्रैक्टिस सेट की तरीके से इसको हल कर पाएँ, रिवाइज़ कर पाएँ, जिससे कि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो और आपका एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो सके। तो मिलते हैं अगले इसके लेक्चर में, वीडियो में, तब तक गुड बाय।